कहर लगातार जारी है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में इस सीजन का सबसे न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर से आने वाली हवाओं के कारण तापमान में रोजाना गिरावट दर्ज की जा रही है। गौरेला पेंड्रा से अमरकंटक जाने वाले चारों रास्तों सहित गौरेला से शहडोल, कोरबा, बिलासपुर और मनेंद्रगढ़ जाने वाले सभी रास्तों में घना कोहरा छाया रहा, जिसके कारण विजिबिलिटी बेहद कम रही और वाहनों की रफ्तार पर इसका असर पड़ा। शीतलहर की चपेट में इस इलाके में होने के बावजूद प्रशासन द्वारा अब तक सार्वजनिक स्थानों पर अलाव आदि की व्यवस्था शुरू नहीं कराई गई है। वहीं तीर्थस्थल अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि अमरकंटक से सटे कई हिस्सों में इससे भी ज्यादा ठंड महसूस की गई। वहीं कड़कड़ाती ठंड का प्रभाव स्कूली बच्चों पर सर्वाधिक पड़ रहा है। शाम को शहर की सड़कों में जल्दी सन्नाटा पसर जाता है। ठंड को देखते हुए गौरेला नगर पंचायत क्षेत्र में नगर प्रशासन के द्वारा अलाव के लिए इंतजाम न करने को लेकर स्थानीय लोगों में भी रोष नजर आया। नगर पंचायत CMO विष्णु यादव ने बताया कि नगर पंचायत के द्वारा सप्ताह भर से गौकास्ट नगर के चौक चौराहों में गिराया जा रहा है। अलाव की व्यवस्था लगातार की जा रही है शासन के निर्देश अनुसार, और आज ठंड क्योंकि ज्यादा है, 4 बजे से अलाव जलाने की व्यवस्था कर रहे हैं। हॉस्पिटल परिसर में गिराया गया है, स्टेशन में न बस स्टैंड में कहीं नहीं गिराया, चौक चौराहे में गिराया गया है। वहाँ के लोगों का कहना है कल कहीं लकड़ियां नहीं गिरी, नहीं गिराई तो गई। मैं बस एजेंट हूँ यहाँ पर, सार्वजनिक नगर पंचायत की तरफ से नहीं है, नगर पंचायत ने कोई ऐसी पहल नहीं की अभी तक, कोई नगर पंचायत की तरफ ऐसी कोई पहल नहीं की गई है, जिससे नगर में मतलब लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था, ठंड इतनी ज्यादा कड़ाके की पड़ रही है और यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये तो आम पब्लिक अपने से ही लकड़ी जल कर बीन बांध के ला के और ये अलाव जला रहे हैं। कोहरा काफी बढ़ गया है अभी, ये तो लगभग अभी कोहरा देख रहे हैं यहाँ, काफी टाइम हो गया है। नगर पंचायत के द्वारा सब अफवाह फैलाई जा रही है, यहाँ लकड़ी उकड़ी कुछ नहीं गिरा है, कहीं भी आप देख लीजिए नगर शहर के अंदर कहीं की लकड़ी का कोई व्यवस्था नहीं है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।